नमस्कार। द्वितीय वर्ष भूगोल के प्रथम प्रश्न पत्र विश्व का प्रादेशिक भूगोल में आपका स्वागत है। आज हम जापान की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, जापान एक पर्वतीय देश है और इसका अधिकांश भाग, लगभग 66% भाग, पूर्णतः वनाच्छादित है। ये लगभग 250 लाख हेक्टेयर का भाग है। इनमें 11% भाग पर झाड़ियाँ और प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें जापान में गेनेया कहते हैं। जापान के भौगोलिक तत्वों में वनस्पति एक विशेष महत्व का तत्व है। इसकी वनस्पति का प्रकार और विस्तार दो कारकों, धरातल और जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित है। जापान की प्राकृतिक वनस्पति वृक्षों, झाड़ियों और घास के मैदानों के रूप में मिलती हैं, जो लगभग 2/3 भाग घेरे हुए हैं। इतनी अधिक वनस्पति होते हुए भी इमारती लकड़ी की घरेलू मांग की पूर्ति नहीं हो पाती, और यही कारण है कि जापान अमेजन बेसिन की लकड़ी का सबसे बड़ा खरीदार है। जापान में मिलने वाले वनों का आर्थिक महत्व है। ये वन इमारती लकड़ी, ईंधन, फर्नीचर, तालकोल, कागज़ की लुगदी, कपूर, फल, मेवे, औषधि आदि कई चीज़ें का वितरण प्रदान करते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। मोटे तौर पर नुकीली पत्ती वाले हम जापान के वनस्पति को ये मानचित्र में खड़ी रेखाओं के द्वारा दिखाए जा रहे हैं। पहला है जापान की पत्ती वाले कोणधारी वन, लगभग 30% भाग पर चौड़ी पत्ती वाले ये वाले वन फैले हुए हैं। तीसरा मिश्रित वन, इन्हें शीत प्रदेशी सदाबहारी वन या कोणधारी वनों के नाम से भी जानता है। ये वन जापान के उन क्षेत्रों में मिलते हैं जहां सर्दी बहुत अधिक पड़ती है, और शीत के कारण इन वनों के वृक्षों की पत्तियाँ शंकु के आकार की या सुई के आकार की होती हैं। मुख्य वृक्षों में फर, स्प्रूस, पाइन, हेमलॉक, लॉर्च आदि प्रमुख हैं। इन वनों का आर्थिक महत्व भी बहुत अधिक है। यहीं से जापान के कागज़ उद्योग को लकड़ी मिलती है, लुगदी मिलती है, और कई विभिन्न उद्योगों के लिए लकड़ी यहीं से मिलती है। ये वाले वन जापान में उत्तरी होकेडो और होन्शु के 1200 मीटर से अधिक ऊंचे भागों में मिलते हैं। दूसरा जो प्रकार है वो है हमारा चौड़ी पत्ती वाले मानसूनी वन, या हम इसे कहें शीत शीतोष्ण वन। ये बारीक बिंदुओं के द्वारा इसमें दिखाए जा रहे हैं। ये वन जापान के सर्वाधिक भाग में विस्तृत हैं, लगभग 46% भाग में। इन्हें मानसूनी वन या उपोष्ण वन भी कहते हैं। इनकी पत्तियां चौड़ी होती हैं और सदाबहार भी होती हैं। इसके अंतर्गत चीड़, बांस, कपूर आदि मुख्य हैं। बांस यहाँ बहुत अधिक उगता है और बहुतायत से मकान बनाने में प्रयुक्त होता है। ये वन दक्षिणी जापान में क्यूशू, शिकोकू, दक्षिणी और मध्य होन्शु तक फैले हुए हैं। अंतिम जो प्रकार है वो है मिश्रित वनों का। मिश्रित वन जापान के लगभग 25% क्षेत्र में मिलते हैं। इन्हें शीतोष्ण वन भी कहते हैं। ये दूर दूर वाली मोटी बिंदुओं से इस मानचित्र में प्रदर्शित है। इन वनों में हमको सदाबहार वन और नुकीली पत्ती के वन दोनों ही मिलते हैं। यहाँ बलूत, मैपल, पाइन, फर आदि के साथ साथ नकली रेशम का धागा बनाने के लिए लकड़ी, शहतूत की लकड़ी और इमारती लकड़ी आदि के वन भी मिलते हैं। ये वाले वन 300 से 1200 मीटर की ऊंचाई पर होन्शु और होकेडो में ज़्यादा मिलते हैं। जापान की प्राकृतिक वनस्पति के क्षेत्र। प्राकृतिक वनस्पति की दृष्टि से जापान को 3 क्षेत्रों में रखा जा सकता है। ये 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला है दक्षिणी जापान का वन क्षेत्र। यह वन बेटी के रूप में है और होन्शु के दक्षिणी भाग, शिकोकू, क्यूशू द्वीप,
के ओकिनावा द्वीप तक विस्तारित है। यह अधिकांशतः चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन और सिडार और पाइन वनों की मिश्रितता देखने को मिलती है। दूसरा है मध्य होंशु से आंतरिक सागर तक का क्षेत्र। यहाँ पतझड़ी वनों की प्रधानता है, ओक, बीच, मैपल आदि अधिक मिलते हैं। तीसरा, होकेडो से उत्तरी होंशु तक का क्षेत्र। यहाँ कोणधारी वन अधिक मिलते हैं, स्प्रूस, फर, लॉर्थ, बर्थ आदि यहाँ प्रमुख वृक्ष हैं। तो ये थी जापान की प्राकृतिक वनस्पति। धन्यवाद।